नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया है बल्कि नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और विकास के विभिन्न पैमानों को भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण चुनौतियों तथा इसके विभिन्न समाधानों के बारे में। मैं हूँ परितोष जायसवाल। शब्द चाहे नक्सल हो, नक्सली, नक्सलिज्म या नक्सलवाद, इन शब्दों का जिक्र कहीं भी होता हो, हमारी आंखों के सामने खून से सनी लाशें, गोला बारूद, कंधों पर बंदूक लटकाए वर्दीधारी लोग नजर आते हैं। आजादी के इतने साल गुजर गए, भले ही देश ने जितना भी विकास कर लिया हो, लेकिन आज भी नक्सलियों की लड़ाई सरकार, संसद, पुलिस सिस्टम, यहाँ तक कि खुद के लोगों से भी जारी है। पशुपति से तिरुपति तक अपनी सत्ता मानने वाले ये नक्सली भारतीय सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2020 तक 10 सालों में छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली घटनाएं हुई हैं, जिसमें 736 आम लोगों की जान चली गई, जबकि 489 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने इन 10 सालों में 656 नक्सलियों को भी मार गिराया है। नक्सली हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बढ़ रही है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में नक्सल वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। 2017-18 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो गए। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा मौतों के मामलों में टॉप पर खड़ा है। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ में 315 घटनाएं और 111 मौतें हुई थी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 13 जिले नक्सल प्रभावित श्रेणी में आते हैं। 2021 में बालोद जिले तथा 2022 में कोंडा गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, जबकि 2021 में ही मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया। वर्तमान में ये जिले हैं बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कवर्धा और मुंगेली। 1 जुलाई 2021 को मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास की, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न नक्सली हमलों के बारे में भी, नक्सलियों के खिलाफ कौन से ऑपरेशंस चलाए गए हैं, इसके अलावा नक्सल गतिविधियों पर कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बाद नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं तथा ऐसे अन्य कौन से उपाय हो सकते हैं जो नक्सल समस्या का समाधान कर सके, तथा अंत में भविष्य की राह पर चर्चा करते हुए इस ऑडियो आर्टिकल को समाप्त करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश के विभाजन के 28 साल पहले ही यहाँ नक्सली गतिविधियां शुरू हो गई थी। पीपल्स वॉर ग्रुप ने इसकी शुरुआत 1972 में दक्षिण बस्तर के भोपालपट्टनम से की और अगले 1.5 दशक में यह उत्तर बस्तर के नारायणपुर पंखाजूर तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के ज्ञात इतिहास में गणपति वह पहला नक्सली था जिसे 1985 के एक मुठभेड़ में मारा गया था। शिव अनुराग पटेरिया लिखते हैं कि तत्कालीन छत्तीसगढ़ में अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए नक्सलियों ने पृथक दंडकारण्य राज्य की मांग के साथ 1970 के आसपास बस्तर की यात्राएं प्रारंभ की। 1970 से 80 के दशक के बीच नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी। 90 के दशक तक तो नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव जिलों के अंदरूनी क्षेत्रों में भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में विभिन्न नक्सली हमलों के इतिहास के बारे में। 20 फरवरी 2020 को नारायणपुर के बकुलवाड़ी में एएसपी समेत 23 जवान शहीद हुए। 28 फरवरी 2006 इर्राबोर दंतेवाड़ा लैंडमाइन ब्लास्ट में 25 जवान शहीद हुए। 16 जुलाई 2006 दंतेवाड़ा के राहत शिविर पर हमला, 29 लोगों की जान चली गई। 15 मार्च 2007 रानी बोहला बीजापुर पुलिस कैंप पर हमला, 55 जवान शहीद। 12 जुलाई 2009 राजनांदगांव के मानपुर चौकी में हमला, एसपी समेत 25 जवान शहीद। 17 मई 2010 दंतेवाड़ा से सुकमा जा रही बस पर नक्सली हमला, 12 एसपीओ सहित 36 व्यक्तियों की मौत। 6 अप्रैल 2010 75 सीआरपीएफ जवानों की हत्या दंतेवाड़ा जिले में। 8 मई 2010
बीजापुर में बख्तरबंद वाहन पर हमला, 8 जवान शहीद। 29 जून 2010 नारायणपुर में एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने 26 सीआरपीएफ जवानों की हत्या की। 25 मई 2013 दरभा घाटी सुकमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में नक्सलियों ने हमला किया। पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा समेत 32 लोगों की दुखद मौत। 11 मार्च 2014 सुकमा के टेकनवाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 15 जवान शहीद। 29 अप्रैल 2017 सुकमा में सड़क सुरक्षा कर रहे अफसरों पर हमला, 27 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2019 छत्तीसगढ़ विधायक भीमा मंडावी की हत्या, श्यामगिरी दंतेवाड़ा। 22 मार्च 2020 कोराज डोंगरी सुकमा के चिंता गुफा के पास हमला, 17 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 बीजापुर में नक्सली हमला, 24 जवान शहीद। आइए अब बात करते हैं नक्सलियों के खिलाफ पुलिस तथा सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में। पहला, ऑपरेशन संगम। फरवरी 2021 में नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 3 जिलों तक नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कांकेर तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सरहदी क्षेत्रों में ऑपरेशन संगम चलाया गया था। इस अभियान में डीआरजी, एसटीएफ तथा आईटीबीपी के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया। 2012-13 के बाद यह पहली बार था कि सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सल प्रभावित अभुक्षमाणा क्षेत्र में इतना सघन ऑपरेशन चलाया था। दूसरा, ऑपरेशन ऑक्टोपस। हाल ही में झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। इस संयुक्त अभियान को ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया था। तीसरा, ऑपरेशन मानसून। आमतौर पर हर साल बारिश में जंगलों के भीतर पुलिस द्वारा नक्सल ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। नक्सली इसका फायदा उठाकर गांवों में आसानी से भर्ती का प्रयास करते हैं। 2022 में पुलिस ने बस्तर में भारी बारिश के बाद भी अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा है, जिसे ऑपरेशन मानसून का नाम दिया गया। चौथा, ऑपरेशन प्रहार। 22 जून 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान को चालू किया गया। इसमें सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी तथा इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने हिस्सा लिया था। खराब मौसम के कारण 25 जून 2017 को इस अभियान को रोक दिया गया था। यह अभियान 56 घंटों तक चला था। पांचवा, ऑपरेशन प्रहार 2। 7 नवंबर 2017 को 2000 की फोर्स के साथ यह ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी तथा भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। छठवा, ऑपरेशन हाका। 2009 में छत्तीसगढ़ में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। हाका का स्थानीय भाषा में अर्थ जंगली पशुओं को मारने से है। सातवा, ऑपरेशन चक्रव्यूह। वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले काफी बढ़ चुके थे। 16 फरवरी 2006 को केंद्र सरकार ने एनएसजी या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को छत्तीसगढ़ भेजा। 45 दिनों की अवधि में एनएसजी ने कई ऑपरेशन किए। यह पहली बार था जब केंद्र सरकार द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए एनएसजी की तैनाती की गई थी। आठवां, ऑपरेशन मार्ड, किलम और पोड़कू। 5 से 20 मार्च 2012 तक अबुझमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन मार्ड नाम दिया गया था। नौवां, ऑपरेशन ग्रीन हंट। नक्सलियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स तथा राज्य बलों का 5 राज्यों में किया गया यह संयुक्त प्रयास था। इसे नवंबर 2009 में शुरू किया गया। दसवां, सलवा जोड़ो। 4-5 जून 2005 को सरकार के संरक्षण में शुरू हुए इस अभियान में बड़ी संख्या में आदिवासियों को हथियार थमाए गए। नक्सलियों से लड़ने के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन या अभियान पर आरोप लगने लगे कि इसके निशाने पर बेकसूर आदिवासी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए 5 जुलाई 2011 को इसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला सुनाया। सलवा जुड़ुम का शाब्दिक अर्थ शांति का कारवां या शांति यात्रा है, जिसकी शुरुआत बस्टर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी ने की थी। 28 जुलाई 2011 को अधिसूचित द छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल के बाद जिन आदिवासियों को हथियार देकर एसपीओ बनाया गया था को ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स का सदस्य मान लिया गया। सलवा जुड़ुम की शुरुआत ग्राम कुटरू तथा इसकी पहली बैठक ग्राम करकेली में हुई थी। 11वां, ऑपरेशन लक्ष्य। फरवरी 2020 में सुकमा में नक्सल विरोध में सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया यह एक अभियान था। आइए अब बात करते हैं नक्सल गतिविधि तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। पहला, द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया बाय प्रकाश सिंह। दूसरा, ब्रोकन रिपब्लिक, लेखिका अरुंधति रॉय। तीसरा,
वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, लेखिका अरुंधति रॉय। चौथा नाइट मार्च, अ जर्नी इनटू इंडियाज नक्सल हार्डलैंड बाय अल्पा शाह। पांचवा लेट्स कॉल हिम वासु विद द माओसिस्ट इन छत्तीसगढ़ बाय सुभ्रांशु चौधरी। छठवा द फर्स्ट नक्सल बायोग्राफी ऑफ कानू सान्याल बाय बप्पादित्य पॉल। सातवा हाफ मैन नॉवेल ऑन नक्सल मूवमेंट बाय असीम मुखोपाध्याय। आठवां बस्तर डिस्पैचेस लेखक नरेंद्र। नौवां द नक्सल थ्रेट बाय वी आर राघवन। दसवां अर्बन नक्सल द मेकिंग ऑफ बोथ इन ट्रैफिक जैम बाय विवेक अग्निहोत्री। ग्यारहवां हेलो बस्तर बाय राहुल पंडिता। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बढ़ने या खत्म ना होने के कारणों के बारे में। पहला, कोई पुख्ता रणनीति का ना होना। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह सचिव श्री बी के एस रे का कहना है कि माओवादी एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सरकार के पास माओवाद को लेकर कोई नीति नहीं है। रे कहते हैं कि सरकार की नीति यह है कि हर बड़ी माओवादी घटना के बाद बयान जारी कर दिया जाए कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, कोई नीति होगी तभी तो उस पर क्रियान्वयन होगा। दूसरा, नक्सलवाद के मूल में आर्थिक कारण। 2017 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में 1% सबसे धनवान व्यक्तियों के पास भारत की 73% धनराशि थी, जबकि एक सामान्य मजदूर को किसी टॉप एग्जीक्यूटिव जितनी तनख्वाह पाने के लिए 971 साल लगेंगे। गरीब और अमीर के बीच यह खाई नक्सलवाद के पनपने का एक और मुख्य कारण है। तीसरा, आदिवासियों को न्याय न मिल पाना। छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद आदिवासियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 2019 में जस्टिस पटनायक समिति का गठन करती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अधिवक्ता रंजनी सोरेन मानती हैं कि इस समिति से आदिवासियों को उतना इंसाफ नहीं मिल पाया है जितनी उम्मीद की गई थी। मुख्य धारा में लौटने की सोचने वाले नक्सलियों का मनोबल गिरना सुनिश्चित ही है। चौथा, आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ छलावा तो नहीं। बस्तर में आदिवासियों के कानूनी पहलुओं पर काम करने वाली अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला कहती हैं कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें भी सरकार हथियार देकर मैदान में उतार देती है। बस्तर के एक आदिवासी के सामने दूसरा आदिवासी भाई खून का प्यासा बनकर खड़ा है। पांचवा, सरकारी नियमों में उलझन। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 31M 13 दिसंबर 2005 से पहले यदि किसी पारंपरिक वनवासी को अवैध रूप से बेदखल किया गया है तो वैकल्पिक भूमि समेत अपनी जमीन पर पुनर्वास का अधिकार है, लेकिन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का कहना है कि यह धारा उन आदिवासियों पर लागू होती है जो विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण सरकारी भूमि से विस्थापित हुए हैं, न कि उन लोगों पर जो संघर्ष के कारण अपनी जमीन छोड़ देते हैं। ऐसे में विस्थापित जनों का सरकार पर से भरोसा उठ जाता है और वे नक्सलियों के हितैषी बन जाते हैं। छठवां, नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का सही क्रियान्वयन न हो पाना। नक्सल एक्सपर्ट शुभ्रांशु चौधरी बताते हैं कि साल 2015 में नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति बनी थी, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नीति का ठीक से पालन दोनों ही सरकारों में नहीं हुआ, जिस वजह से आज प्रभावित सड़कों पर आ रहे हैं, मुख्य धारा में आने वालों का सम्मान नहीं है और योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित है। सातवा, अन्य कारणों में आधारभूत अवसंरचना का ना होना, भूमि सुधारों की विफलता, जल जंगल जमीन पर अवैध कब्जा, सरकारी तंत्र के साथ संपर्क का अभाव तथा नक्सलियों द्वारा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तंत्र के बारे में दुष्प्रचार किया जाना आदि भी प्रमुख कारणों में शामिल है। आइए अब बात करते हैं नक्सलवाद समाप्त करने के किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में। 1967 से शुरू हुई इस समस्या का कोई एक हल नहीं है। तकनीकी क्षमता से लैस सुरक्षा बल हो या समाज के सर्वांगीण विकास की सोच के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, सभी का एकमात्र उद्देश्य नक्सली समस्या का त्वरित तथा संपूर्ण निदान है। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नक्सलवाद समाप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला, नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत 5 सूत्रीय योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में वामपंथी प्रभावित उग्रवादी जिलों में नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना का खाका प्रस्तुत किया था, जिसमें कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन, स्टील प्लांट की स्थापना, कोल्ड चेन अवसंरचना का बढ़ाना तथा बोध घाट सिंचाई परियोजना शामिल थी। दूसरा, घर वापसी अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों की घर वापसी का अभियान चला रखा है। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अर्थात घर वापसी, पूना नारकोम अभियान सुकमा जिसका अर्थ है नई सुबह नई शुरुआत। तीसरा,
बस्तर चो आवाज अभियान। स्थानीय गोंडी बोली में बस्तर तमाटा तथा हल्बी में बस्तर चो आवाज नाम से प्रारंभ इस अभियान के माध्यम से बस्तर वासियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया गया। इसके माध्यम से स्थानीय नक्सल मिलिशिया कैडर्स और नक्सल सहयोगियों को हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। बस्तर की आवाज नाम से प्रचारित इस जन जागरूकता अभियान का एक दूसरा लक्ष्य माओवादी नेताओं की आदिवासी तथा विकास विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब करना है। चौथा, शिक्षा के माध्यम से नक्सलवाद पर प्रहार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार बंदूक की जगह शिक्षा का सहारा ले रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में छत्तीसगढ़ सरकार, पुलिस तथा सेना की मदद से अस्थायी स्कूल और कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। नक्सलियों से बिना डरे अब ये स्कूल बच्चे शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। पांचवा, समाधान योजना। केंद्र सरकार ने 2017 में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की, जो 8 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड इंडिकेटर्स, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। छठवां, शिक्षा का बढ़ता दायरा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में JNU खोले जा चुके हैं, जबकि सुकमा में 2 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, जगदलपुर में मेडिकल इंजीनियरिंग सहित आदिवासी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा चुकी है। सातवां, रोशनी योजना। जून 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी योजना विशेष पहल की शुरुआत की गई थी, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। छत्तीसगढ़ से 5 जिलों को चुना गया था। इसमें केंद्र तथा राज्य की सहभागिता 75% और 25% थी। इन 5 जिलों में बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर तथा नारायणपुर थे। आठवां, बस्तरिया बटालियन। बस्तरिया बटालियन एक नवगठित CRPF बटालियन है, जो छत्तीसगढ़ के 4 सर्वाधिक प्रभावित जिलों से है, जिसमें जनजातीय युवाओं के साथ महिलाओं को भी 33% का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह अर्ध सैनिक बलों का प्रथम संयुक्त बटालियन है। इसका गठन 1 अप्रैल 2017 को किया गया था, जबकि 21 मई 2018 को इस बटालियन को कमीशन किया गया था। इन 4 जिलों में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तथा सुकमा शामिल है। नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रही है। इसके अलावा नक्सल समस्या को समाप्त करने के कौन से अन्य उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा आवश्यक है। पहला, लोगों में विश्वास पैदा कर। नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया के लेखक श्री प्रकाश सिंह ने नक्सली समस्या का बड़ा उचित समाधान प्रस्तुत किया है। कहते हैं, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि सरकारी तंत्र उनको सभी प्रकार की आवश्यक सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है। दूसरा, सरकारी दृढ़ संकल्प तथा नेक नियत। BBC के वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक पुतुल जी का मानना है कि नक्सलवाद सरकार के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। इसका समाधान कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प और सरकारी तंत्र की नेक नियत के आधार पर समस्या की मुख्य जड़ में पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा, नीतियों का सही क्रियान्वयन अति आवश्यक। सामाजिक कार्यकर्ता तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर सरकार का आम लोगों की स्थानीय समस्याओं तथा उसके असंतोष को खत्म करने के लिए नीतियों का सही क्रियान्वयन आवश्यक मानती है। इनका कहना है कि सरकारी नीतियों को लागू करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। चौथा, कानून तथा व्यवस्था में सुधार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी लेखक श्री रविंद्र रॉय कानून तथा न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल देते हैं, जिससे लोगों को सहज तथा समय पर न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही कड़े नियमों का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, जिससे नक्सलवादियों के मन में डर पैदा किया जा सके। पांचवा, समीपवर्ती राज्यों से पुलिसिया तालमेल। छत्तीसगढ़ में फैला नक्सलवाद अन्य राज्यों से भी प्रभावित है। समीपवर्ती राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से भी पुलिसिया तथा प्रशासनिक तालमेल बनाकर रखा जाना चाहिए। उग्रवादी क्षेत्रों में स्थित स्थानों को अत्याधुनिक संचार प्रणाली से जोड़ा जाना तथा पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। छठवां, शिक्षा व्यवस्था। आजीविका परक और सर्वोपलब्ध शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे सामाजिक विषमताओं पर अंकुश लगाया जा सके।
नक्सलियों की एक कुटिल चाल जिसके अंतर्गत पढ़े लिखे नौजवानों को भर्ती कर नक्सल बनाए जाने से है इस चक्र को तोड़ा जा सकेगा। सातवां, बुनियादी अधिकारों की पूर्ति। पत्रकार संतोष यादव कहते हैं कि गरीबी और भुखमरी जैसे मुद्दों पर जोर देने का यह कतई मतलब नहीं है कि ऐसा करना हिंसा का समर्थन करना है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उसका संवैधानिक हक मिले? समझना होगा कि हर व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पाने का हकदार है, लिहाजा इसकी पहल करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आठवां, रोजगार तथा आर्थिक रूप से सक्षमता को बढ़ाना। राज्य के डीजीपी श्री डीएम अवस्थी का मानना है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रोजगार दिए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी यह पहल की जा रही है। बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति स्थानीय लोगों के लिए ही है। नौवां, नक्सलवाद का पूर्णकालिक समाधान मॉडल। आदिवासी अस्तित्व विकास एवं नक्सलवाद पर शोध करने वाले डॉक्टर जितेंद्र प्रेमी के मुताबिक हिंसा के रास्ते किसी भी समस्या का सर्वकालिक निदान नहीं किया जा सकता। देश भर में व्याप्त नक्सलवादी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित इस प्रारूप के अनुसार पूरी योजना को दो भागों में बांटा जाना है। पहला, नक्सलवादियों का पुनर्वास तथा दूसरा, जनजाति बहुल क्षेत्रों में रक्षणीय विकास के साथ सतत विकास को बढ़ावा देना। दसवां, नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में। द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया में प्रकाश सिंह लिखते हैं कि नक्सलवाद कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में है, जिससे निपटने के लिए सरकार और समाज को एक बहुआयामी रणनीति बनानी होगी। ग्यारहवां, आर्थिक असमानता को दूर करना। 2008 की बंदोपाध्याय रिपोर्ट में कहा गया था कि समाज में पीड़ित, दमित तथा दलित नक्सलवादियों के समर्थक हैं, क्योंकि नक्सली उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत आगे आते हैं। डॉक्टर बंदोपाध्याय समिति का संबंध नक्सलवाद से निपटने के लिए था। डॉक्टर बंदोपाध्याय समिति के अध्ययन के पश्चात हमें यह भी समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए कौन सी विभिन्न समितियां बनाई गई हैं। पहला, 4C समिति। आंध्र प्रदेश के 3C कंसर्न सिटीजन कमेटी का छत्तीसगढ़ वर्जन 4C है। कंसर्न सिटीजन कमेटी ऑफ छत्तीसगढ़ का काम एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार तथा माओवादियों को लाना है। सुभ्रांशु चौधरी इसके कन्वेनर बनाए गए हैं। 11 सदस्यों की इस टीम में श्री अरविंद नेताम, श्री नंद कुमार साय, श्री बीएस रावटे, श्री मनीष कुंजाम, श्री दिवाकर मुक्तिबोध, श्री कमल शुक्ला, श्री विपिन पांडे, श्रीमती इंदु नेताम, श्री इरिस पंकज तथा श्री RDCP राव शामिल हैं। दूसरा, डी बंदोपाध्याय कमेटी। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए योजना आयोग ने 2006 में बंदोपाध्याय कमेटी का गठन किया था। इस समिति में श्री प्रकाश सिंह, फॉर्मर DGP UP, श्री अजीत डोवल, श्री PP शर्मा, श्री सुखदेव थोराट तथा ह्यूमन राइट लॉयर श्री के बाल गोपाल भी थे। तीसरा, के विजय कुमार कमेटी। 2014 में नक्सली हमले की जांच तथा नक्सल रणनीति पर चर्चा के लिए के विजय कुमार कमेटी का गठन किया गया था। चौथा, शंभू श्रीवास्तव जांच कमेटी। 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव कमेटी का गठन किया गया था। इस हमले में पुलिस SP श्री विनोद चौबे सहित 29 लोग शहीद हुए थे। पांचवा, सतीश अग्निहोत्री कमेटी। झीरम घाटी जांच के लिए सरकार ने नवंबर 2021 में सतीश अग्निहोत्री कमेटी का गठन किया। श्री मिन्हाजुद्दीन इसके सदस्य है। छठवा, प्रशांत मिश्रा कमेटी। झीरम घाटी जांच के लिए गठित पहली कमेटी श्री प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। घटना के तीसरे दिन यानी 28 मई 2013 को इस न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। सातवां, जस्टिस अग्निहोत्री जांच समिति। MLA श्री भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच के लिए जस्टिस सतीश अग्निहोत्री जांच समिति का गठन किया गया। आइए अब बात करते हैं लिखित तथा फिल्मी साहित्य में नक्सलवाद के बारे में। ब्रिटिश संगीत समूह एशियन डब फाउंडेशन ने नक्सलाइट नाम का एक गीत बनाया था। 2005 में सुधीर मिश्रा द्वारा निर्देशित हजारों ख्वाहिशें ऐसी, 2008 में बॉबी देओल की फिल्म चमक में नक्सली गतिविधियां दिखाई गई थी। इसके अलावा उपमन्यु चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास इंग्लिश अगस्त में एक जनजातीय गांव में नक्सलियों और एक IAS के मिलन की घटना पर आधारित है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नक्सलवाद के समर्थन करने वाले चरित्र पर लिखी है। वहीं अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर में नक्सलियों का निर्धन और धनी की समानता के आधार पर चित्रण किया गया है। इसके अलावा महादेवी वर्मा का उपन्यास 1084 माँ 2009 की मलयाली फिल्म थलापवु, 2009 में कन्नड़ की फिल्म माथाड़ू माथाड़ू मालीज तथा 2011 की तमिल थ्रिलर फिल्म को भी
नक्सल बैकग्राउंड पर बनी फिल्में हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी विचारधारा का प्रश्न सामाजिक न्याय तथा सम्मान के संदर्भ में उठाए गए हथियार के रूप में दिखाई पड़ता है। साम्यवाद से प्रेरित नक्सलवादी विचारधारा का उदय वैचारिक क्रांति के रूप में हुआ, किंतु विद्रोह को स्वीकारते ही यह आंदोलन खूनी संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। यदि नक्सली संगठनों के कृत्यों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि ये उन्हीं जगहों पर ज्यादा सक्रिय है जहां प्रशासनिक शिथिलता एवं राजनीतिक संस्थाओं की अकर्मण्यता है। नक्सलवाद की समस्या वर्तमान समय में साधारण जनमानस के मन में भय और आतंक उत्पन्न करती जा रही है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए चाहिए कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने के साथ ही नक्सलियों से सीधा संवाद करके उन्हें न्याय व्यवस्था के प्रति निष्ठावान बनाए, जिससे वे राष्ट्रीय विकास की गति में सहयोग प्रदान कर सके। दिसंबर 2021 में पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या का बड़ा उचित और तार्किक समाधान प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार केवल बंदूक और गोलियां ही दशकों पुरानी समस्या को हल नहीं कर सकती और विकास ही एकमात्र रास्ता है। इस समस्या को हल करने के लिए 360 डिग्री रणनीति की आवश्यकता है। इस ऑडियो आर्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।